बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे गुस्से से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया है और अब मैं ज्यादा उमंग से भरी हूँ और मुझ पे अब ज्यादा विश्वास भी है। अब हमारे घर में बहुत शांति हो गई है और बहुत खुशी के साथ रह रहे। मेरे बच्चे कहते मम्मी तुम बहुत बदल गई हो। कोसावा में जंग के बाद मैं डिप्रेशन, इंसोमनिया और दिमागी परेशानी से गुजर रहा था। जब मैंने ये कोर्स किया तो मुझे अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल गया। किसी चीज ने बहुत ही गहराई से इनके जीवन को छुआ है। पिछले दो महीनों से मैंने एक भी टैबलेट नहीं खाया, जबकि पिछले 10 सालों से मैं दवा पे ही चल रहा था। जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं अच्छी हूँ और ब्रीदिंग की समस्या दूर हो गई। हम यहाँ आए हैं शांति पाने के लिए और सांसों की तकनीक सीखने के लिए। मैं शांति की इस प्रक्रिया को सीखकर पूरे इराक में इसे ले जाकर फैलाना चाहता हूँ। हमने यहाँ सीखा कि आप अपने संदेश को प्रेम से फैलाएं, ना कि हथियार से। गुरुजी से मिलने के बाद और सुदर्शन क्रिया का अनुभव करने से हमें महसूस हुआ कि हम जो कर रहे थे वो गलत था। श्री श्री रवि शंकर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार के लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। लाइफ इज एंथुजियाज्म, लाइफ इज जॉय, लाइफ इज लव। दक्षिण भारतीय परिवार में जन्मे श्री श्री रविशंकर जी छोटी उम्र में ही गहरे ध्यान में पाए जाते। जब वो 4 वर्ष की आयु के थे उन्होंने अपने माता पिता को भगवद गीता के उच्चारण से अचंभित कर दिया। पश्चात पाठशाला में उन्हें अपने दोस्तों से अक्सर ये कहते पाया गया कि संसार के सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक दिन मैं उन सब से। 17 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने आधुनिक विज्ञान के साथ साथ समस्त वेद परंपरा का अध्ययन कर संसार का भ्रमण प्रारंभ किया। श्री श्री जी द्वारा संस्थापित आर्ट ऑफ लिविंग संस्था आज एक विशाल गैर सरकारी संस्था है जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द्वारा विशेष विचारणीय समिति की स्थिति दी गई। इस संस्था का मुख्य कार्यालय भारत के बैंगलोर शहर में स्थित है। ये 144 देशों में कार्यान्वित है। यहाँ पर आध्यात्मिकता और सेवा भावना की गतिविधियों का अच्छा संगम है। See, breath is the link between body and mind. Because every rhythm of the mind has a corresponding rhythm in the breath. But mind, when you cannot directly handle it, through breath you can handle it. It's easier. सुदर्शन क्रिया सरल लेकिन शक्तिशाली श्वास प्रक्रिया है जिसका आरंभ श्री श्री रविशंकर जी ने किया। इससे तन और मन दोनों में शुद्धता आती है। दुनिया के लाखों लोग कहते हैं कि वे मुस्कुराते अधिक हैं, दूसरों का अधिक ख्याल रखते हैं, अधिक खुश हैं, कम गुस्सैल और कम तनाव का अनुभव करते हैं। ये केवल इसलिए कि प्रेम, सहजता और ज्ञान से एक गण्य व्यक्ति ने उनके जीवन को छू दिया। पूज्यनीय श्री श्री जी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज जिनेवा के संस्थापक भी हैं। सेवा भाव प्रेम को दर्शाता है। जिस रीति से बन सके सेवा करें। अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि आसपास के लोगों और संसार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तब आपका फूल सा हृदय खिलने लगता है। ग्रामीण युवक, शहर के युवक, सीधी सादी गृहस्थ महिलाएं या बड़े ओहदों में नियुक्त लोग, छोटे और बड़े, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, चाहे उनकी जात पात, देश, धर्म जो भी हो, हर कोई उनके एक लक्ष्य सेवा भावना की ओर आकर्षित होकर बदलाव लाने की भावना से जागृत होता है। अपघात उपरांत तनाव रहित कार्यक्रम युद्ध ग्रसित क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय मदद के लिए सदा अग्रसर है। जैसे कि हाल ही में दक्षिण पूर्वी एशिया में हुई सुनामी आपदा में कर्मचारियों ने सारी रात राहत का काम कर सेवा भावना प्रकट की। पूज्यनीय श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जब तक तनाव कम ना हो केवल भोजन और दवा काम नहीं कर सकते। दुर्घटनाग्रस्त लोगों के आरक्षण हेतु
दीर्घकालीन योजना केंद्र का निर्माण हुआ। इस केंद्र से हजारों लोगों को मदद मिली। सुनामी के बाद मुझे समुद्र के किनारे जाने में डर लगता था। यहाँ ध्यान और तकनीक सीखने के बाद मुझे बल मिला कि मैं पुनः समुद्र में जाकर मछली पकड़ सकूं। चेन्नई में अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम की भी सृष्टि की गई। विधवाओं और विधुरों को पुनः विवाह के बंधन में भी बांधा गया ताकि वो सामान्य जीवन जी सके। आप जानते हैं कि मैंने यूनाइटेड नेशंस के लिए शांति का ऑपरेशन भी किया है और मैंने देखा कि हम लोग जड़ से इलाज नहीं कर रहे हैं। हम पेड़ के ऊपर पहुंच गए पर पेड़ की जड़ों को कीड़े खा रहे हैं क्योंकि हमने जड़ का इलाज ही नहीं किया। और गुरु श्री श्री रविशंकर जी हमें सिखाते हैं जड़ों का इलाज। जेल कार्यक्रम कैदियों और जेल कर्मचारियों को तनाव दूर करने और पुनः निर्माण प्रशिक्षण में मदद करता है। ये अपने आप में पहली योजना है जो कि कठोर अपराधियों में हिंसा और नशे की आदत को कम करती है। कैदियों के लिए कार्यक्रम, कैदियों और कर्मचारियों के लिए मानव सुधार कार्यक्रम, ये अपनी तरह का पहला है हिंसा और जुर्म न करना। उनके जीवन के प्रति सकारात्मक सोच है, उनमें एक दूसरे के प्रति कितना लगाव है, कितना बड़ा बदलाव है। ये मुझे सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आया। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, बहुत कुछ सीखा इस कार्यक्रम में। अपने आप को कैसे मैं पहचान सकूं और अपने खोए हुए बचपना को मैं कैसे प्राप्त कर सकूं। मैं हमेशा लड़ाई की सोचता था लेकिन जब से मैंने ये कोर्स किया तब से मैं पूरी तरह बदल गया हूँ। लड़ाई तो मैं अब देख भी नहीं सकता। जून 2005 में पूजनीय श्री श्री जी ने मानवीय मौल्यों पर श्रीनगर में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीरी पंडित के प्रतिनिधियों का पहली बार आमना सामना हुआ। जो वैकेंसी में मेरा नाम है वो खाली किसी को ये पता तक नहीं चलता आगे आया कौन और गया कौन। आज ये पता चला हम कहाँ हैं। गुरु जी इस तरह हमारे साथ इतने अच्छे पेश आए तो हम चाहते हैं कि उसी के साथ है। इस संस्था ने कश्मीर की घाटी में उन बच्चों को शिक्षा की सहूलियत प्रदान की जो कि दंगों फसादों के कारण तितर बितर हो गए थे। 5H कार्यक्रम व्यक्ति समुदाय और देश के उत्थान में अग्रसर है ताकि मानवीय गुण पनपे और मानव जीवन की संपूर्ण विकास भावना समाज में फैल सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही ठोस विकास कार्यक्रम उत्साहित युवक प्रतिनिधियों द्वारा गांवों में हो रहे हैं। ये युवा कर्मचारी एक दृढ़ शक्ति बनकर 25,000 गांवों में कार्यान्वित हैं। श्री श्री चलित कृषि संस्था गांव-गांव में जाकर किसानों को स्वाभाविक और नवीन तकनीकों का ज्ञान प्रदान करती है। अति कड़ी में बच्चा ऑर्गेनिक खेती से आजकल खर्चे बहुत कम हो गए हैं और आउटपुट ज्यादा मात्रा में होता है। पहले रासायनिक तरीकों से मिट्टी की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई थी, अब ऑर्गेनिक तरीकों से मिट्टी की गुणवत्ता और फसल की गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। स्वयं सेवा दल महिलाओं को आर्थिक स्वनिर्भरता सिखाता है और तन और मन को स्वस्थ रखने की शिक्षा भी देता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम गांवों में विकास हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण भी देता है। अंग विकलांग और जरूरतमंद बच्चों को भोजन, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सेवा प्रदान कर उनका ध्यान रखता है। दिन का एक डॉलर या दिन का एक यूरो झोपड़ी झुकी गांवों और आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा की सहूलियत प्रदान करता है। अहिंसा संबंधी कार्यक्रम स्कूल में बच्चों को हिंसा की समस्याओं से निपटने में मददगार है। इससे बच्चे स्वस्थ रहते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है। मैं हमेशा अपने साथ भारी पिस्तौल रखता था और हमेशा लड़ता था। हम 5 दोस्त थे जिनमें से 2 को मार गिराया पुलिस ने और मैं नहीं जानता श्री श्री रविशंकर के यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया और फिर कब और कैसे इससे बाहर आ गया। आर्ट एक्सेल उत्कृष्टता में सभी तरह का प्रशिक्षण और यस
युवा अधिकारी हेतु सेमिनार बच्चों और युवकों को अपनी भावना को नियंत्रित करने, शक्ति के सही उपयोग, आपसी रिश्तों में उन्नति की तकनीक सिखाता है ताकि उनका मनोबल बढ़े और वे अच्छे अगुवा बन सकें। हेरिटेज स्कूल में बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वेद पाठ और सभी प्राचीन रीति रिवाज को भी सीखते हैं ताकि भारत के प्राचीन ग्रंथ, संस्कृति और मंदिर पूजन की विधियों को बरकरार रख सकें। व्यक्ति को बलशाली कर समाज सेवा के लिए श्री श्री जी समर्पित हैं। वे आशा का पुलिंदा हैं, जिन्होंने हर तरह के लोगों को सेवा और प्रेम के संदेश से प्रोत्साहित किया है। रशिया में आपका स्वागत है। पूज्यनीय जी, जुलाई 2005 में क्रेमलिन पैलेस में इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जुलाई 2004, श्री श्री रविशंकर जी पाकिस्तान गए। ये पहली बार था कि किसी आध्यात्मिक अगुवा का पाकिस्तान जन समुदाय ने इतना स्वागत किया। आर्ट ऑफ लिविंग स्वर्ण जयंती समारोह अक्टूबर 2006 जकूर हवाई अड्डा बंगलौर। दुनिया साक्षी बनी सबसे बड़े आध्यात्मिक सम्मेलन की, जहां लगभग 151 देशों से 25 लाख लोग इकट्ठा हुए श्री श्री रविशंकर के संदेश वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने के लिए समस्त दुनिया एक परिवार। If you can have a mind of a scientist, अगर हमारा दिमाग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता हो और मन पूज्यनीय श्री श्री रविशंकर जी की आध्यात्मिक शक्ति, तो हम सचमुच एक खुशहाल और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। I congratulate the foundation, मैं आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को पिछले 25 सालों में किए गए कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दुनिया का कोई भी राजनेता सपने में भी इस तरह के आयोजन के बारे में नहीं सोच सकता। आपने अनेक देशों का भ्रमण किया है, परंतु आज सारा विश्व आपके पास आया है। द फर्स्ट ग्रेट पीटर द ग्रेट मेडल ऑफ रिवॉर्ड अवार्ड प्रदत्त किया जाता है परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को, योगदान रशियन फेडरेशन। पूज्यनीय जी को मंगोलिया के अध्यक्ष द्वारा सबसे उच्चतम सिविलियन अवार्ड दिया गया। सारे संसार में राज्य सरकार के मुख्यस्थ और आम जनता द्वारा इन्हें सराहा गया और खिताब भी दिया गया। 25 सालों का प्रेम और ज्ञान, सेवा और उमंग, ये एक बहुमुखी प्रतिभा संस्था है जिसने हरेक के जीवन को छुआ, चाहे स्कूल हो या कॉलेज या कैदी या युद्धग्रसित क्षेत्र, किसान हो या कॉरपोरेट कर्मचारी, हरेक इनसे प्रभावित हुआ है। एक व्यक्ति द्वारा आरंभ की गई लहर कई देशों के किनारों से टकराई और हजारों लाखों ने अंदरूनी शांतता का अनुभव किया। हर एक उनसे यही प्रोत्साहन पाता है।